ನಗರದ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗರಣ ಮಂಚ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗರಣ ಮಂಚ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗರಣ ಮಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪುಷ್ಪಂತ್ ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೇನಾಗಳನ್ನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಾಯ್ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಹೋದರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣ್ಚಿಕೊಳ್ಬಾರದು ಎಂದ್ರು. ದೇಶ ವಿಭಜಕರಿಂದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ಗಳು, ಕೆಲ ಸಾಹಿತಿ ಚಿಂತಕರುಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರಿಯಿರಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿವೆ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ಯಾರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲ ಕೈಲಾಗದ ನಾನಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಹಿಂದೂಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನೆಲೆಯೂರ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಯಾರು ಸಾಹಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರು. ಭಗವಾನ್ ರಾಮ್ ಛತ್ರಿ ಬತಾಯೆ ಜಾತೆ ಹೈ. ಜಬ್ ಉನ್ಹೋನೆ ರಾವಣ್ ಕೋ ಮಾರಾ, ಉಸ್ಸೆ ಯುದ್ಧ ನ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಪೂರಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕಿ, ಔರ್ ಜಬ್ ವೋ ನಹಿ ಮಾನಾ ತೋ ಉನ್ಹೋನೆ ಉಸ್ಕೋ ಯುದ್ಧ ಮೇ ಹರಾ ಕರ್ಕೆ ಮಾರ್ ದಿಯಾ. ಆಪ್ ಜರಾ ಸೋಚಿಯೆ, ಬಹುತ್ ಕೋಯಿ ಐಸಿ ಬಾತ್ ನಹಿ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ಕಿ ಸಮಜ್ ಮೇ ನಾ ಆಯೆ. रावण को जब भगवान राम यानी छत्री भगवान राम ने जब मारा, 2022 आ गई है, आज भी कोई एक हिंदू सनातनी खड़े होकर के ये नहीं कह सकता एक छत्री ने. काइनेटिक ग्रीन जूम मत्तु जिंक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गलु लाइसेंस मत्तु रजिस्ट्रेशन अगत्यविल्ल. गंटे के 40 किलोमीटर वेग इदीग बंदिदे. गंटे के 60 किलोमीटर वेगद जिंक HSS अति वेग मत्तु दीर्घ चलने. 3 गंटेगळ प्रति चार्जिंग निंद 120 किलोमीटर. इदक्के लाइसेंस मत्तु रजिस्ट्रेशन अगत्यविदे. महिळेयरिगे कॉलेज विद्यार्थिगळिगे अत्यंत सूक्त. टेस्ट राइड मत्तु बुकिंग आगि भेटि कोडि आरती एंटरप्राइजेस टीवी स्टेशन हत्तिर उम्नाबाद रोड कलबुर्गी. एक ब्राह्मण का वध किया है ये नहीं कहता. ये शक्ति है आपके उन संस्कारों की. रावण ने गलत काम किया, उसके गलत काम के कारण उसको मारा, लेकिन एक छत्री ने जब ब्राह्मण को मारा, आज भी 2022 के भारत में कोई नहीं कहता है कि छत्री ने एक ब्राह्मण का वध किया है. उससे आगे चलिए, जो जातिवाद में डूबे हुए हैं, जाति भी नहीं बचेगी न संस्कार बचेंगे. 29 राज्यों में से मार मार कर आपको 9 राज्यों में आपको समाप्त कर दिया है. कुछ दलाल कह रहे हैं कि हमारा तो भाईचारा है. उन्हें इतने सालों के बाद भी याद नहीं समझ में आ पा रहा कि ये भाई और चारे में भाई कौन है और चारा कौन है. उनकी अपनी दुकान चलानी है, चलाएं.
किसी मरने के पास नहीं जाते। कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है, मुंह नहीं खुलता है। नुपुर शर्मा को चौराहे चौराहे गाली दी जा रही है। वो एक अच्छे घर की परिवार की बेटी, एक पढ़ी लिखी बेटी, एक संस्कारी बेटी को इन जिहादियों ने इतना दबाव बनाया। और हिंदू दलालों ने जो ठेका लेके हिंदुत्व का घूम रहे हैं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, उसके बारे में एक लाइन नहीं बोल पाते, क्योंकि दुकान चलानी है। हमें आपकी दुकान से कोई मतलब नहीं है। हमारी दुकान का नाम है भारत राष्ट्र, वो चलनी चाहिए। ये कहानी आगे बढ़ाइए इसको। ऐसा कहीं होता है क्या? हम एक मिनट के लिए कभी सोचते हैं? कभी एक मिनट के लिए रुक करके हम सोचे कि हम कह क्या रहे हैं? जो ब्राह्मण मंदिर में पूजा करा रहा है, उसने रेट लिखा कभी? उसने पूजा इसलिए कभी नहीं कराई कि नहीं पैसे दिए तो पूजा नहीं कराएंगे? आप उसके मन मस्तिष्क से पूछिए, आप जहां खड़े होकर के मंदिर के बाहर अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, जिस जातिवाद को इतनी बड़ी बड़ी बातों से हवा दे रहे हैं, वो ब्राह्मण मंदिर में बैठा है जिस छत्री ने एक ब्राह्मण को उसके गलत कृत्य के कारण मारा, दूसरा ब्राह्मण मंदिर में बैठकर उसी छत्री राम की पूजा कर रहा है। कहीं सुना आपने कि नहीं भगवान को नहीं मानेंगे? ये छत्री नहीं था, ये ब्राह्मण नहीं था, इसने एक ब्राह्मण की हत्या। आज के भारत तक में जबकि इतने हालात खराब होने के बाद भी कभी ये कहीं बात सुना आपने? और तीसरी बात, ये जातिगत लीडर, ये दलाल जातियों के चुनाव जीतने के लिए उन्होंने सनातनी हिंदू समाज को तोड़ा, इन दलालों में हिम्मत नहीं है कि ये बताएं अजलाफ कौन है, अशराफ कौन है, अहले हदीस कौन है, देवबंदी कौन है, बरेलवी कौन है, सैयद कौन है, पठान कौन है, अंसारी कौन है। उनकी जाति नहीं पूछते भाई, आप मार के भगा दे। श्री दर्बी कलेक्शन कलबुर्गी अत्यंत प्रसिद्ध बट्टेगळ एक्सक्लूसिव शोरूम, कांचीवरम, धर्मावरम, बनारस मधुवे रेशमे सीरेगळु, रेमंड लेनिन क्लब नंतह प्रख्यात ब्रांड्गळ सूटिंग शर्टे भेटी कोडी। श्री दर्बी कलेक्शन नंबर 42 सुपर मार्केट कलबुर्गी। आपको अपने भोले लोग हैं, उन्हीं का शोषण कर रहे हैं। वो ब्राह्मण जो एक छत्री की पूजा कर रहा है, उसके मन से पूछिए, उसमें ये भाव नहीं है। जो मंदिर में पुजारी बैठा है, जिस रामायण को पढ़ा करके आपको कहानी सुना रहा है, वो शर्मा जी, मिश्रा जी, दीक्षित जी ने रामायण नहीं लिखी, वो वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ा रहा है। क्या चाहते हैं आप? कहां है जातिगत? दलाल नेताओं ने ये जातियां बना बनाकर अपनी दुकान खड़ी कर ली है। कौन डिमोलिश करेगा? नेता मार के भगाइए। चंदा लेने आए तो दो जूते उतार के मारिए। ये पापी हैं। इन्होंने एक राष्ट्र का पूरा गौरव गिरा दिया। इनके कारण सनातनी हिंदू के अंदर से पुरुषार्थ समाप्त हो गया। इन्होंने आपको इस्तेमाल कर करके इस स्थिति में खड़ा कर दिया है कि 2022 के भारत में आप अपनी बेटियों को नहीं बचा रहे। कभी संसद में चिंता होती है? किसी मन से किसी ठेकेदार को सुना आपने कहते हुए कि यह समस्या है? कोई 35 टुकड़ों में काट रहा है, कोई 40 टुकड़ों में काट रहा है, कोई सोते में मार रहा है, कोई जगते में मार रहा है, कोई कन्वर्ट हो गई तो वो बुरखा नहीं पहन रही इसलिए उसकी हत्या हो रही है, किसने शादी नहीं की इसलिए हत्या हो रही है, जिसने कर ली उसकी हत्या हो रही है, कोई पूछ रहा है? क्योंकि आप में से, मेरे में से किसी मेरी बेटी के साथ नहीं हुआ तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखिए, ये चुप्पी किसी ना किसी दिन आपके घर को आग लगाएगी।
मेरा गुस्सा इसलिए है, मेरी कोई निजी झगड़ा नहीं है नेता से, किसी से भी निजी तौर पे नहीं है। मैं जानता भी बहुत कम लोगों को, लेकिन बहुत पास से मैंने 20 साल में देखा है। किसी पार्टी, किसी जाति विशेष, किसी इलाके विशेष से मेरा कोई विरोध नहीं है। इसी आग के कारण एक सामान्य जीवन जीने वाला आदमी सब कुछ छोड़ करके पूरे देश में कहां कहां मैं जाता हूं। मैं जिस वक्त बोल रहा हूं, हमारी टीम के सदस्य देश के किसी न किसी कोने में इसी भाषा में बोल रहे हैं। हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, हम किसी से कुछ मांगने के लिए किसी पार्टी के दफ्तर में कभी नहीं दिखने वाले हैं, कभी। इसलिए बोलते बोलते गुस्सा इतना आता है, लगता है कि सारी बातें बता दूंगा। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಗುಪ್ತಾ, ಲಿಂಗರಾಜಪ್ಪ, ಶಾಸಕರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ಜಯವೂರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಮಾತಿಮೂಡ್, ಕ್ರೆಡಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಹರ್ಷಾನಂದ್ ಗುತ್ತಿದಾರ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೈಲಪುರ್, ಅನಿಲ್ ಸಂಭಾಷೆ, ಮಹದೇವಯ್ಯ ಕರ್ದಳ್ಳಿ, ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನರಿಬೋ, ಸಚಿನ್ ಕಡಗಂಚಿ, ಉಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸುಧಾ ಹಾಲ್ಕಾಯಿ, ಮಂದ್ರನಾಥ್ ಮುಲಗೆ, ಪ್ರಾಂತ ಗುಡ್ಡ, ಶಿವಾನಂದ್ ಪಿಸ್ತಿ, ಸಿದಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್, ರವೀಂದ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.